अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू किचन फूडीज। इस वीडियो में हम बना रहे हैं चिकन हॉट एंड सार सूप। और जो ये रेसिपी है ना, बहुत ही आसान और सादा है, हर कोई इसको बआसानी बना सकता है और बस आप इसको 5 मिनट में बना लेंगे। तो सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लिया, फिर इसके अंदर हमने डाल दिया जी लहसुन, जो कि है 2 टेबल स्पून ही। उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा ना, तो बस इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है गाजर, जो कि आधा कप है जुलियन कट और आधा कप ही जुलियन कट हमारे पास है बंद गोभी। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। फिर अब इसके अंदर हमने शामिल कर दी 1 कप उबली हुई चिकन, उबली हुई और श्रेड की हुई चिकन है ये, और ये वही चिकन है जिसका मैंने चिकन स्टॉक रेडी किया है। तो चिकन की यखनी बनाने के लिए मैंने बस क्या किया कि चिकन ली 1/2 किलो और उसको 8 कप पानी में उबलने के लिए रख दिया। जब 6 कप पानी बाकी बचा तो चूल्हा बंद कर दिया। अब इसके अंदर हम कुछ सॉसेस ऐड करेंगे, जिसमें है जी 4 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून सिरका, सफ़ेद सिरका, 4 टेबल स्पून हॉट सॉस, 1 टेबल स्पून भरकर इसमें पिसी हुई काली मिर्चें डालेंगे। नमक अभी शामिल नहीं करेंगे, हम नमक लास्ट में ऐड करेंगे। यखनी भी बिल्कुल प्लेन है, उसमें भी नमक नहीं है। बस अब हम इसके अंदर जो हमने यखनी बनाकर रखी है ना, वो ऐड कर देंगे। इससे पहले भी मैं आपके साथ चिकन हॉट एंड सार सूप की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि बहुत ही ईजी और सिंपल है। उसमें पूरी यखनी बनाने का प्रोसेस भी मैंने आपको बताया, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम उबाल आने देंगे। और अब इसके अंदर हमने शामिल कर दिया नमक, नमक है जी 1.5 टेबल स्पून, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। फिर जब इसमें उबाल आने लगा तो इसके अंदर हमने शामिल कर दिया 1 अदद अंडा, फेंट कर हमने इसके अंदर शामिल किया है। और बस थोड़ी सी देर के बाद इसको हमने स्पून चलाना, फ़ौरन से नहीं चलाना, थोड़ी देर बाद इसके अंदर हमने स्पून चलाना है, तो जो इसका टेक्सचर कंसिस्टेंसी है ना, वो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी आएगी। अच्छा, इस टाइम पर हमने इसके अंदर शामिल कर देना है कॉर्नफ्लोर और पानी। तो मैंने 1/2 कप पानी लिया, उसमें 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। ये मिक्सचर इसके अंदर हम डाल देंगे सारा का सारा। बस 1 से 2 उबाल आएंगे इसके अंदर तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। और नमक आप चख सकते हैं इस पॉइंट पर कि कम है या ज़्यादा, उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए उबाल आ गए थे और हमने बंद कर दिया है चूल्हा, और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप चाहें तो बॉयल एग के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, इजी और सिंपल रेसिपी है, आपने ट्राई करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कैसी लगी रेसिपी। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऊपर से थोड़ी सी हरी प्याज स्प्रिंकल कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।